सौरभ माथुर, इंडिया न्यूज, ब्यावर। तो वही हुआ, आईपीएस विकास सांगवान ने आज टोंक एसपी का चार्ज संभाल दिया है। सुबह टोंक पहुंचने पर एसपी ऑफिस में आईपीएस विकास सांगवान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया है और इसके बाद एडिशनल एसपी ज्ञान प्रकाश नवल सहित जिला पुलिस अधिकारियों ने बुके भेंट करके स्वागत किया है। तो इस दौरान मीडिया से बातचीत की और उन्होंने कहा कि टोंक में अवैध बजरी और पत्थर खनन पर लगाम लगाने के साथ ही अपराध पर अंकुश लगाया जाएगा। सरकार के निर्देशानुसार जो रीसेंट ट्रांसफर आए उसके बाद मैंने एसपी टोंक का चार्ज आज संभाला है। आज मोस्टली कुछ मीटिंग्स रहेंगी और जो भी हमारे अधिकारी हैं यहाँ पर उनसे मुलाकात कर क्षेत्र की समस्याओं के बारे में और बाकी जो इश्यूज हैं पुलिसिंग के उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा और उसके बाद एक कार्य योजना प्लान करके किस तरीके से हम अपराध को और उस पर अंकुश लगा सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं, उसकी कार्य योजना तैयार कर उचित जो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साइन बाइंडिंग डेफिनेटली आते ही ये चीज़ें जैसे ही ट्रांसफर टॉक में हुआ ये सामने आ गया कि एक जो मेन इशू रहेगा वो माइनिंग से संबंधित रहेगा। तो हमारा विशेष प्रयास रहेगा कि लीगल माइनिंग ही सिर्फ क्षेत्र में हो और किसी भी तरह का अवैध कारोबार जो है वो पनपने नहीं दिया जाएगा। देखिए, इसमें विशेष तौर पर दोनों जो सप्लाई और डिमांड है उन दोनों पर अटैक किया जाएगा। सप्लायर्स पे विशेष तौर पर फोकस किया जाएगा क्योंकि उन्हीं की वजह से जो इसका प्रचलन है वो बड़ा है और साथ ही जो जिला एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ प्रयास कर किस तरीके से हम रिहैब सेंटर्स के थ्रू जो डिमांड है, जो भी विक्टिम्स हैं बेसिकली एक तरह से इसके, उनको किस तरीके से करेक्शन किया जा सकेगा वो प्रयास। तो उस वक्त तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए।